हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए रोहतक में आज परिवर्तन महारैली बुलाई है। हालांकि हुड्डा का इस रैली के जरिए परिवर्तन का संदेश सिर्फ बीजेपी को ही नहीं जाता बल्कि अपनी पार्टी कांग्रेस को भी जाता है। हुड्डा अपनी रैली के जरिए कांग्रेस आला कमान को ये बताना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की कमान उनके ही हाथों में दी जाए। अपनी परिवर्तन रैली में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले की उन्होंने जमकर तारीफ की है। इस दौरान वे अपनी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। धारा 370 के फैसले पर सोनिया गांधी के विरोध करने से हुड्डा काफी नाराज नजर आ रहे हैं। हुड्डा ने नाम ना लिए बिना कहा कि वह धारा 370 के फैसले का विरोध करने पर कांग्रेस हाईकमान से नाराज हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला कतई भी जायज नहीं था। कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई है और अब ये पुरानी कांग्रेस नहीं बची है। ये बात कही है हुड्डा ने अपनी महापरिवर्तन रैली में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। मेरे कई साथी ने अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध किया है जो कतई जायज नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई है। यह अब वो कांग्रेस नहीं है जिसमें मैं रहा करता था। अब राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान की बात आती है तो मैं किसी चीज से समझौता नहीं करता हूँ। मोदी सरकार का साथ देते हुए हुड्डा ने यह भी कहा कि धारा 370 पर केंद्र सरकार के वो साथ हैं। हुड्डा ने यह भी कहा कि हरियाणा के हमारे कई फौजी भाई कश्मीर में तैनात हैं, इसलिए वे केंद्र सरकार के फैसले पर साथ खड़े हैं। ऐसी भी अटकने लगाई जा रही हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले हुड्डा अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार हुड्डा की पार्टी का नाम स्वाभिमान कांग्रेस या फिर स्वराज कांग्रेस हो सकता है। अब इन दोनों नामों पर विचार चल रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि हुड्डा कांग्रेस से काफी नाराज हैं और उसमें बदलाव चाहते हैं। ऐसे में वो अपनी नई पार्टी की घोषणा भी जल्द कर सकते हैं। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।